जान राम भाग अपने मेरे तो दोनों भाई से बात कर रहे हो उन कौन माना को उमरा ए क्या तो जाके घसर देर पौन में गुजरी कान में गिर तो और काय आसु कह तो क्या हुआ भी कर बेटा ओ बेटा तेरी काली गाय हूँ। ओ बेटा खुदा के वास्ते हमने ना बदे यानी पूरी पाल में कुत्ता भी बद के ना चले कि भाई कौन हा कौन ना हा। हेलो क्या जब यहाँ पौन में गिर पड़े गेरा रो काली गाय बन रहे गुरुजी के दिल पे रहम हो जाए पड़ाक चाचा गोदी में भर ले कहा कुछ ले जा मेदा समय सिंह उमरा गुरचड़ी मेव खा भागमल मेव कहा चले जा बैठक पे भागमल में एक दो रोज डाट तो दावत मिजमानी कर दो कहते हो कुमराव तू चल आज तू तीसरे दिन खुद मैं आप ला रहा हूँ भागमल में पूरी पाल से बात होकर क्या संगी ना चला तो हमारा दुनिया में जीत अभी कहा पाल में मुंह दिखा सके कौन सी। हेलो कहा कौन भागमल में तीसरे दिन आगे आगे माना को वह सुपी चुमराव अरे माना कुमराव सुपी जा कौन समय सिंह सुपी जा कौन मेदा मेदा सुपी जा गुरचड़ी गुरचड़ी सुपी जा कौन मेव खा सुपी जा कौन भागमल मेव छेव के छेव चला जा रहा निकल जा भागमल मेव की बैठक सु कीला पंद्रे हुन कौन खुदा को हुकुम होते मेव खा को लाहो आते रा गुरचड़ी हाँ रा बीरा एक लाहो बहुत बुरा आयो कौन सो तो क्या तो ज्यादा लाहा की बात को सोन को बढ़ा दे और क्या भाई को मेरे को समझा कर क्या सुना चाहिए सुन घुरचड़ी लाल आयु सोन मांग रो खून हो वीरा मेरा सोन खून मांग रो धर्च बावली के बच्चे गच गच लगा रहा उल्लू के पट्टा के बयान करने की बात ना होए सोन कहा मारू कोई ये विचार है कोई तेरा जबरदस्ती मेव खा को धमका दे फिर सुस्त पड़ जाए कौन मेव खा फिर कीड़ा पंद्रह चल दे फिर मेव खा को लाहो आए राग रुचड़ी हाँ राग वीरा लाहो आ रहा है कैसे तो क्या तो दूसरे लाहे से सोन ले दे और क्या भाई को समझाते क्या सारे क्या चल रहे Thank you.
पीछे राम ही गाय के मैं उखा सुन घुलचड़ी दोनों में सुई एक निदार जाय ओ वीरा दोनों भाई ने सिया कर रात रात लुगा पट्टा दे बोलो अरे भैया भाई ने सु मिलने चला तो कहा बड़ा मासो हमारे रहा तुनाली हाथ में लाल आयु हमारो जो है कौन राजा यूं गर्व की बात घुचड़ी ने कही यूं या लेर बैठ जनाब भाग मलवे अपने वापिस आ जा ये पांचों का पांचों आगे माना कुमरा ए बीच में घुचड़ी वासु पीछे मेदा मेदा सु पीछे नुकर कहां मेओखा सु पीछे कौन समय सी तीनों ने दोनों भाई अपना बीच में ले लिया जबके पहटवाड़ा निकल के बाघ घोड़ा में धसा जबी कौन कहता हूँ राम मेदा समय सिंह हाँ भैया इनके पकड़ने को इलाज इनकी गिरफ्तारी को सोच कैसे होंगे ये मेदा बोलो एक काम करो कहा कोई सो आगे जाकर है नहीं सब गांव में फिर जाओ सौ दो से जवान में लेकर रहीन का खोला में आ जाओ वहां मस्जिद मार दो कुरान लटका दो भट्टी खुदन दो करहा में झोंका लगन दो इतने बहलाता बहलाता हमें ले ला रहा एक सौ जाति काम ने करवा लो एक सौ निकल के छुप के आगे आक रहे नी सारे भी पूरे गांव में सु जेरोली सु मूसा खेड़ा सु नुक कहा बेल रासु थोसु सब गांव में सु सौ दो सौ जवान ने लेकर हनी लेकर कढ़ा गुड़ चावल रहीन का खोला में भट्टी खुदवा दे कढ़ा में झोंका लगवा दे मस्जिद मार दे कुरान लटका दे सालार घसका दे आर अभी ये चारू के चारू आर पहुंचा सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अरे भाई आ गए खुदा बख्श के कौड़ी देके मिलते जुलते हैं जनाब अब कहते हैं ए वीरा सोहे काये अपनी अपनी माँ बहन की जो कोई अपना हाथ में फेड़ा ने भी राख पढ़ी बतलावन सब ने अपनी अपनी लाठी अलग अलग दे दी दोनों भाई दुनाली भी नुकने नाम ए खुदा उसके अपनी अपनी बहुन की चूची ने पियो जो कोई अपना हाथ में लाठी भी नुक कोई राख उनने कही माँ हमार तो बहू ही ना हम तो देवन रात बेटी का लौड़ाओ यही तो मेरे त्योहारों दुख है तुम्हारो पेट साफ ना होवे जब पूरी बराज की कसम दे रही है धर्म दे रही है कोई गड़बड़ ना होगी ये मस्जिद मंडरी पुरान ले तकरी सालार गडरो माँ मैं चर जा झूठो धर्म खा जा पड़ाक बिलू करने मांग लेवा अब गंजी पक्के तैयार हो जा फिर कहता हूँ राव भाई किस तरीके से पकड़ोगे एक आदमी ने सलाह दी ऐसा करो जब गंजी पक्के तैयार हो जाए आप ये कहना कि ले भाई बिरादरी रोटी खा ले तुम यह कही हो पूरी बिरादरी इकट्ठी होकर कि तक भाई बिरादरी को खाना मुनासिब जब है जब तुम तीनों चाचा भतीजा एक थाली में बैठ के खाओगा अगर तमन्ने एक थाली में बैठ के खा लियो तब तो पूरी बिरादरी को भी जायज हो जाएगा खाओ खुदा ना खास्ता बिरादरी खा लिया तुम ना खाओ बहुत बुरी बात जब तुम एक थाली में खुदा ना खास्ता ये बैठ जा दो चार गल्ला खा लीजिए और हुंकारो भर लीजो एकदम सौ जवान टूट के पड़ जाएंगे इनके ऊपर बड़े खुदा का हुकुम हुयो गंजी पकी पक्कर गंजी तैयार हुई उमराव बोलो आओ भाई डालो हाँ बिरादरी को खाना खाओ घुरचड़ी मेओखा बोले उमराव बोलो आओ भाई बिरादरी खाना खाओ बिरादरी बोली देखना भाई उमराव घुरचड़ी मेओखा हाँ देखना बिरादरी को खाना जब जायज होएगो जब के तीनों चाचा भतीजे एक थाली में बैठ के चाह खा लो दो दो गल्ले ये बोले बिरादरी ने बड़ो अफसोस करो चाचा ला खाल के खानो एक थाली में खानो खा ले तीनों चाचा भतीजा एक थाली में बैठ जा दो चार दस पर लखा के ओ काटो माना को हुंकारो भर दे समझान दूर के पत्ते की बात कर रहा होती है ए बड़ी माना गांव ने
जल्दी आ पहुंचा बाघोड़ा में जार। माना काम राव ने सो इन पे भूला दी। ये के बार एकदम सौ जवान टूट के पड़ते हैं, दोनों भाई को गिरफ्तार करते हैं। अरे भैया मैं खा का बदने तो कसते रसान सु, भुर्जी का बदने कसते बीएल सु, ऊपर सुटिए पट पटक दे। सरदार जरा गौर करने की, जरा ध्यान देने की बात है, घुर्चड़ी इस ताई की जेब में पड़ो चक्कू, कर कर कहीं कर बूढ़ो हाथ निकाल कर जेब में से चक्कू कसकू दे दे भाई मेव खां को। मेव खां ने समझा क्या बात है भाई, भाई ने रस्ता अपना काट के जब तो कुछ चक्कू दियो भाई। वक्त मेव खां रस्ता ने काट ले, काट के रस्ता ने निकल के बाहर टेपट से खड़ा हो जाए कौन, मेव खां। तो जिस वक्त मेरा सरदार मेव खां टेपट से निकल कर बाहर खड़ा हुए हो, उस कौन घुर्चड़ी इस तारी भाई बयान करने का टेबल कर। कस्बा पिनाकुआ के अंदर अनिल कुमार, यहाँ पर जापानी देसी तथा हर प्रकार के टेप रिकॉर्डर की मरम्मत की जाती है। वही पुराना पता अनिल कुमार, मेन रोड पर बसे हुए कबाड़ियों से सावधान, याद रखें अनिल कुमार कस्बा पिनाकुआ। खाल पदमजा को पावे मोटे भाई, आगे गजड़ा पकड़ा रहा साथ गंडी को खोटो भाई। जैसे भैया तुम छुटे ऐसे छुटते हम, पहले घाना घालता लाला पीछे लेता दम। भाई मैं क्या करूं, किस्मत मेरी, वरना बीरा जैसे आज तू छड़ो खड़ो होगो छुटके हैं, अगर मैं छुट जाते तो लाला दम पीछे ले तो पहले तो घाना घाल देते। तो कौन मेव खां, तो क्या तो बाहर को खड़ा हो गए तो क्या तो मेरे सरदारों ने कराते अपना भाई को बहन करते क्या। टूटी है बाय जहनो गुलाहोरी मिल जाएगी टाड़ों में हर गजनी। मैं क्या करूं, अगर मेरा हाथ में खुदा ने लाहौरी दे दी, जब तो मैं देख लूंगा इतने तक मेरे को लाहौरी ना मिले इतने मैं कुछ ना कर सकूं। हरा बीरा ए बीरा जा रहे ही तू
तू भाग जा हो जा वा दिल्ली कुपार। मेरो तेरो मिलनो एक बार हुई कयामत जा वो वीरा ऐसी ना होए कदी बेटी चोर ने गुड़गुड़ाट सुन लियो तू खड़ो देख लियो तो जैसे बेलसू बदन मेरो कसरा खो ऐसे ही दोबारा तू कसके बांधेंगे भाग जा ये तो बचे। और अब मेरे खाने हल्ला बोली तो भाग दे हूं सुखो माना कुमराव समय सिंह मेजा तीनों के तीनों हलकारों कहां को भेज दे अलवर। राम मंगल सिंह महाराज आपका मुलजिम ले जाओ गिरफ्तार करके वहां से 150 जवान भेज दो मंगल सिंह महाराज घुटरी इस तारीख को लोक पिंजरा में यानी बेल सुपदन का सौ पड़ो लोक पिंजरा में ठोक कर मूंग दिया डर कर काई सवारी में कहां पहुंचा देवा। आम खास में किसके सामने मंगल सिंह महाराज के सामने और हूं मेरे सरदारों किसको पता चल दो मंगल सिंह महाराज की रानी साहब और हूं रानी ने इतला दी हो बात यानी मंगल सिंह महाराज आपका हुक्म हो जाए और आपकी खुशी हो तो मैं जवान को देखना चाहती हूँ। उसी वक्त मेरे सरदारों जरा गौर करने की जरा ध्यान देने की बात है आम खास खाली करी जाती है पटली पटवाई जाती है बैठ के काई सवारी में कौन मंगल सिंह महाराज की रानी ए क्या आम खास नाम के सर क्या तो पिछली स्थान से ध्यान करके क्या कहती रानी तो यू पिंजरा के पास आई हाँ अगर देखे तो गुरचड़ी स्तारी ऐसे लखारो पिंजरा में जैसे केहरी मुड़ोपड़ो हो अरे तू कौन हा कि मैं घुचड़ी अरा तेरा खत जा तेरा तो बाप भी घुचड़ी ना है कैसे अरे डाला मेरी पलटन डोले ही घूमती तो सु बैनर पचियाया कहा चूक तो सु बनी जासु तो है ये मियाऊ भी पकड़ लाया। ओ बेटा मेरी बड़ी बड़ी पलटर घूम आई और फिर आई उन्हें के हाथ तू नहीं आयो आपसे क्या चूक बनी है क्या खता बनी है जो कि तू ये मेव पकड़ के लिया आया। अरे माता ओ माता मेव की कोई कौम है कैसे तो क्या तो इस तारी बयान कर तो क्या कहते Thank you.
लटका दई कुरान धर्म के बन गए काजी इन बीच दियो सालार मेव की यूज था जी भाई खोला मैं गंजी पकी बीच में गाड़ दियो सालार ए फिर माना गांव राव ने माता मेरा मांग लिया हथियार माता क्या करूं मस्जिद मांड दी कुरान लटका दी सालार गाड़ दियो गंजी पका दी बीच में कुरान उठा गा नुकर कहा सालार की कसम खा गा हथियार मेरा मांग लिया मैं क्या करूं हर के बेटा खुदा ना खास्ता अल्लाह तेरे हाथ में हथियार दे दे जब तू कहा करा माता अगर मुझको हथियार मिल जाए इतना काम कर दू कौन सा क्या तो यानी बड़ोई बनी बेल की और उनको कहा बंसु क्या तो तीन फुद्दी मार तो पी जा फिरोजपुर मारो जम्मादार कितनी रानी रह जाएंगी रोती माता मेरा मंगवा दे हथियार तुम मेरे सरदार नु कहा बंदा बधा बदन सु तीन फुद्दी मार तो काई में पिंजरा में तो कौन रानी वाकई में खुश होती है खुश होके कहां दार पहुंचती है जहां के मंगल सिंह महाराज अपनी गद्दी पर बैठा राम मंगल सिंह महाराज ने कहा रानी फिर ना जाए ए भैया बात तने बड़ी उतारी करी है कौन सी ए मंगल सिंह का राज में जाने अच्छा कीना काम ऐसा सिंह स्वरूप राजा कोई देना भी चाहिए काम कौन हरा तिरो नाच जाए यानी तेरी राजस्थान के अंदर तेरा पाल के अंदर तेरा जिला के अंदर नाम रोशन कर दियो बड़ो शूरमा बड़ो बलकारी ऐसा जवान ऐसा सूरमा मारने लायक है तो ऐसा जवान के लिए तो 10-20 गांव जागीर देना लायक है ताकि आपको भी नाम हो नाम रोशन कर रहा हो मंगल सिंह महाराज ने समझा तेरी बहन की देख दी 20 दिन भी ठहर को नहीं तो छुड़वार छोड़ेगी रानी ने क्या समझा अगर यार 10-5 गांव को जागीरदार बना दे और जय 10-20 दिन आम खास में रहो आवे तो पहले मेरा सरदार हो यानी हम बिस्तर सुई बच्चा ना रोक रहे बहुत से यानी डिस्टेंस बच्चा रह जाओ करे यानी इसने समझा अगर ये आम खास में रहवायो ना मालूम इसकी निगाह और इसकी दृष्टि कदी खुदा कोई तेरी भी कुख में बच्चा ऐसा सावन दे दे जैसे यू है मगर घुचरिया नहीं आर मंगल सिंह महाराज ने समझा कि जगदी 20 दिन भी ठहर गो तो घोड़ा का नकते की छुरवार छोड़ेगी वाह ये वक्त मेरा सरदार हो फिरंगी को करारी हो यानी कर कर गिरफ्तार 10 जवान साथ में दे के कहा को चालान दे देवे लाहौर को लाहौर में जाके फिरंगी के हवाले करके 10 जवान वापिस अपने अलवर को आते हैं वहां को फिरंगी ने 500 जवान पे ऊपर और जनाब उस कैंटर में 500 जवान थे उनके ऊपर अफसर था वह 500 जवान में दे दियो जाए कौन गुरती स्थान महीना 20 दिन लाहौर में रहते हैं शहाब के मन में आ जाए जो 500 जवान को मालिक हो देखना भाई हमें शिकार खेलनी है और शिकार भी कई दूसरे इलाके की खेलनी है जनाब मैम साहब के 8-8.5 महीना का हमल था बच्चा पेट के अंदर जनाब वो बोली
साहब साहब आप भी जा रहे हो तो मैं भी संग चलूं, ना मालूम आप जाने कितने दिन में लौट के आओ। ये जो हिसाब है जापा का, ये जीना मरना का सवाल है, ना मालूम जाने कैसा वक्त आ जाए। मैं तो आपके साथ चलूंगी जनाब, मैम साहब का डोला को सजाया जाता है, लेकर 500 जवान साथ में उनमें घुचरी भारी पा हमसु मैम साहब साहब के साथ जाती है, निकल जाए जाने 50 खेत दूर निकल जाए, कोस दूर निकल जाए, अब जाने 100 कोस दूर निकल जाए, कौन साहब लेकर 500 जवान ने जाकर बिया पान जार में तंबून को ढाल दे, दिन शिकार खेला रात को तमाम जवान अपना अपने तंबून में सो जाए, मैम साहब 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 अपने तंबू में सो जाए। अब इन्हने हो गो महीना एक खेलते खेलते शिकार, मैम साहब 9 महीने लग जाए, खुदा को हुक्म 2 दिन गए 4 दिन गए प्राग लड़का पैदा हो जाए तंबू के अंदर। जब इसके लड़का पैदा हो गो जनाब, एक रोज शिकार खेल के दोपहरिया के वक्त में अपना अपना तम्बू में सारा जवान लेटा बैठा पड़ा हा, अपना तम्बू में अलग साहब लेटा बैठा पड़ा हो, हुक्म खुदा को हो जाए। जब चा का तम्बू में एकदम डीग फूट जाए, आग लग जाए, साहब साहब के तलाश पड़ी, देखा तो डीग फूट रही है, तो साधना कौन क्या तो 500 जवान को साहब इकट्ठा कर तो करके तब क्या तो 500 जवान सर पेश करते दे मैं निकाल के बाबू मैं बड़ी करूं बड़बू। ओ भाई जब से मेरी जच्चा को और मेरे बच्चा को राजी खुशी निकाल कर मुझको दे दे, मैं के लिए आओ जाओ मैंने अपनी कलम से बड़ी किया। अब जनाब 500 जवान में सुकाई सी की आस ना पड़े, क्यों कि ढीक फूट रही ऐसी जान कस की है जो के लाख रुपया की जान है तंबू में जाकर दे। दादना कौन जरा गौर करने की जरा ध्यान देने की बात है, क्या तो जहोरी को पोता खुदा उसको बेटा खुद की स्तारी तो